अभी गांधी वाटिका के पीछे जो सिविल लाइन में दुकानें हैं उनकी जो पीछे वाली साइड है गांधी वाटिका में, जल संस्थान का ऑफिस भी है यहाँ पर, वहाँ पर कुछ दुकानदार बिना परमिशन नगर निगम से लिए, एनओसी लिए, दुकानों की छतों के ऊपर कोई निर्माण कार्य कर रहे थे, जहाँ पर फिलहाल रुड़की नगर निगम के अधिकारीगण पहुँचे हैं और उन्होंने निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंक्रीट सीमेंट के और ये लेंटर डालने वाली मशीन की भी खड़ी है, और मौके पर जो है नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त श्री चंद्रकांत भट्ट जी भी हैं और नायब तहसीलदार जी भी हैं उन नगर निगम के साथ में ही पहुँचे हैं। इनसे जानकारी लेते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सर निर्माण कार्य चल रहा था, क्या था पूरा मामला सर? देखिए, इसमें नगर निगम की सारी दुकानें आप जानते हैं गांधी वाटी के दोनों ओर, इसमें हमारे किराएदार लोग होते हैं, और यहाँ पर एक हिमायनी नाम से एक दुकान है जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थी। इनके द्वारा बिना अनुमति लिए अपनी छत के ऊपर रेंडिंग का काम किया जा रहा था। इनका कहना यह है कि भाई इसमें लीक हो रहा है, नीचे अंदर से पपड़ियाँ गिर रही हैं, बहुत पुराना हो गया है, और इसलिए मैं इसको डलवा रहा था। लेकिन किसी भी स्थिति में आप बिना अनुमति के कोई काम नहीं कर सकते, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना था। मैंने आज भी इसीलिए काम रुकवा दिया मौके पर कि आप अनुमति मांगिए, हमें अपना जेई हमारा विजिट करेगा, अगर जेई को लगेगा कि हाँ ये काम दोबारा होने लायक है तो तब उसकी अनुमति जारी की जाएगी, पर बिना अनुमति के कोई भी किराएदार इस तरह की कार्रवाई करेगा तो फिर दुकान कैंसिलेशन की कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी। तो फिलहाल जिस तरह से बिना परमिशन लिए सर इतना बड़ा इन्होंने तामझाम जोड़ दिया दुकानदारों ने, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह काम हमने नोटिस इनको जारी कर रहे हैं और इसके बाद तुरंत जो है काम आज रुकवा दिया गया है मौके पर, और ये स्पष्ट जारी कर दिया यदि काम शुरू होता है तो किराएदारी कैंसिल करने की तरफ हम जाएंगे, अन्यथा आप नोटिस दिए जाएगा, आप अनुमति जब मांगिए हमें जायज़ लगेगा, जेई हमारे अगर देखते हैं परीक्षण के अनुसार कि हाँ ये आवश्यक है कार्य होना रेंडिंग का बरसात से पहले, तो उसकी अनुमति जारी होगी, तभी आप काम कर पाएंगे, सवेरे नहीं कर पाएंगे। देखिए, अभी नगर निगम के अधिकारियों ने कहा है कि ये जो निर्माण कार्य चल रहा था उन्होंने मौके पर स्वयं जाकर छत का निरीक्षण किया और उन्होंने दुकानदारों से पूछा, दुकानदारों का कहना था कि छत जो है बरसात होने के कारण गल गई थी या कच्ची हो गई थी, वो टपक रहा था उनकी दुकानों में पानी, तो उसको लेकर वो निर्माण कार्य कर रहे थे। लेकिन जो नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि बिना परमिशन के ये कार्य नहीं किया जाएगा, उन्होंने निर्माण कार्य रुकवा दिया। यहाँ पर मौके पर जो नगर निगम के निर्माण विभाग के जई हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा, तभी इस कार्य को जायज होने पर ही अनुमति मिलने पर शुरू किया जाएगा, अन्यथा अगर वह बिना इस तरह से अनुमति के कार्य करेंगे तो उसका दुकान का जो है कैंसिल कर दिया जाएगा किराएदारी का।